नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूँ मैं अपने चैनल सफ़रनामा में। आज त्रिकोणमिति का पांचवा लेक्चर लेके आज मैं आपको त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग बताऊंगा जो कि आपके चैप्टर आपके बुक के 9.1 एक्सरसाइज है। तो 9.1 एक्सरसाइज का पहला सवाल है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे खड़े सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर के द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये आपका एक खंबा है और इस पर जो है एक डोर तनी हुई है जो कि 20 मीटर की डोर है और वो जो है एक कोण बना रहा है 30 एंगल भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमको निकालना है ए बी जो कि क्या है हाइट है। ठीक, मान लीजिए पहले आप कर लीजिए कि मान लीजिए कि खंबे की ऊंचाई एच है कि खंबे की ऊंचाई एच है। ठीक है, अब मैंने मान लिया खंबे की ऊंचाई एच है, मुझे एच निकालना है। अगर मैं बोलूं एच अपॉन ट्वेंटी मतलब क्या है, लाल बटे कक्का वही लगाओ। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है मतलब आपका लंब है और ये कर्ण है। तो वही लाल बटे कक्का फार्मूला वही है। तो लंब बटे कर्ण तो लंब बटे कर्ण कौन सा आता है, साइन थीटा आता है। तो ये क्या आ जाएगा, साइन तीस का मान हो जाएगा एच बटे बीस। साइन तीस का मान आपको पता है 1/2 होता है, बराबर हो जाएगा एच अपॉन टू। आप सॉल्व कर लोगे, सॉरी एच अपॉन ट्वेंटी यानी, ठीक है 20 इधर चल जाएगा, एच बराबर हो जाएगा कितना 20/2 विच इज इक्वल टू 10। इज इट क्लियर टू यू? अगर आपको समझ में आ चुका है तो चलिए दूसरा सवाल करते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ और दूसरा सवाल लिख रहा हूँ। ठीक, दूसरा सवाल मैं लिखता हूँ इसी के साथ में, इसलिए छोड़ो, एक और सवाल पकड़ लेते हैं, तीसरा पकड़ रहा हूँ, एक एक छोड़ के पकड़ रहा हूँ मैं। अगर आपको कोई परेशानी आए तो बता दीजिएगा, तो दूसरा वैसे ही होगा, तीसरे पे चल जाते हैं हम, है ना। तीसरा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ वह 30 डिग्री का कोण बना रहा होगा। भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा हो और फिसलन पट्टी की ऊंचाई जो है 1.5 मीटर हो। ठीक, डायग्राम समझ में आ गया होगा आपको। तो आपको क्या निकालना है, जिसका शिखर से ऊंचाई से 30 डिग्री पर झुका हो जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल का फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। तो कितना, 3 मीटर की ऊंचाई है ये बड़े बच्चों के लिए, 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, बड़े बच्चों के लिए और ऊंचा जो भूमि के साथ कितना है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। क्या है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका 60 डिग्री। 60 डिग्री का कोण बना रहा है, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अब फिर से वही वाला फॉर्मूला लगेगा, मैं साइन से ही करा लेता हूँ इसको भी, वैसे इस पर कॉसेक लगेगा पर साइन से ही कराते हैं। ठीक है, इन्हें तो क्या होगा, अब हम मुझे निकालना है ये छोटे बच्चों का L1 मान दिया, बड़े बच्चों का L2 मान दिया। छोटे बच्चों की फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो L1 है और
मान लिया जाए कि बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई L2 है, फिर मैं इसको ट्रायंगल ABC बोल देता हूँ और इसको PQR बोल देता हूँ, ठीक है। तो फिर मैं लिखूंगा ट्रायंगल पूरा, उसको लिखने के बाद लिखना ट्रायंगल AB और C में क्या है, ABC में L1 अपॉन 1.5। अच्छा मैं साइन से करता हूँ ना, लंब अपॉन कर्ण, तो लंब बटे कर्ण से करते हैं, तो लंब क्या है 1.5 है और कर्ण क्या है L है, बराबर क्या हो जाएगा sin 30। सब ये sin वाले ही आ रहे हैं, तो L बराबर कितना, L1 है ना, तो L इधर आ जाएगा, sin 30 नीचे चल जाएगा, तो 1.2 अपॉन sin 30। sin 30 का मान कितना होता है आपको पता है, 1/2 होता है, 1/2 बराबर हो जाएगा कितना L1, तो L1 बराबर कितना आ जाएगा 1.52 जा 3। कुछ गलती हुई, sin 30 का ठीक है, 3 मीटर की फिसलन पट्टी मुझे चाहिए होगी यहाँ पे। अगला सवाल है बड़े बच्चों के लिए, ट्रायंगल PQR में भी चले जाएंगे, PQR में चले जाएंगे, अब sin 60 आएगा इसमें, 3/L2, 3/L2 बराबर कितना आ जाएगा sin 60 आ जाएगा, sin 60 का मान होता है √3/2, तो L2 कितना हो जाएगा, L2 हो जाएगा आपका 3/√3/2, ठीक। तीन, अब देखो 3 को मैं √√3 × √3 कर सकता हूँ, ये 2 है ही और यहाँ पे √3 है ही, √3 से √3 कैंसिल, तो √3 मीटर का हो जाएगी छोटे बच्चों की फिसलन पट्टी, और बड़े बच्चों की फिसलन पट्टी, छोटे बच्चों के लिए 3 मीटर चाहिए, बड़े बच्चों के लिए 2√3 मीटर चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, 2 ही सवाल करेंगे, काफ़ी लंबे जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के सवाल, दूसरी वीडियो भी बनाएंगे और मेरे ख्याल से 3 लेक्चर लेने पड़ेंगे तब जाके 9 पॉइंट वाली एक्सरसाइज खत्म होगी, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग खत्म होंगे। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।